हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे ऐसी डिजीज के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है और वो हाईली कंटेजियस डिजीज है। जी हाँ, कैनाइन डिस्टेंपर इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स ऑफ पपी हु आर नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी फॉर्म जिसमें निमोनिया हो जाता है पपी को, नाक से आँख से डिस्चार्ज आता है, नर्वस फॉर्म जिसमें ट्विचिंग होती है, हेड मसल्स ट्विच करती है, फोरलिम्स ट्विच करती है, हमें ऐसा लगता है जैसे पपी को हिकअप्स आ रहे हैं। तीसरा फॉर्म होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म, जिसमें उसको रीअकरिंग डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, उसका वजन ड्रॉप करना शुरू कर जाए। कैनाइन डिस्टेंपर का कोई इलाज नहीं, वैक्सीनेशन ही इस बीमारी से बचा सकते हैं। 6 हफ्ते की एज पे हम वैक्सीन करा सकते हैं पपी को। मेक श्योर जो पेरेंट्स हैं या ब्रीडिंग स्टॉक है वो भी डिस्टेंपर के खिलाफ वैक्सीनेटेड हो। समटाइम्स सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ डिजीज भी होता है। देर आर टेस्ट अवेलेबल टू डायग्नोज दिस डिजीज लाइक स्पॉट ऑन टेस्ट एंड PCR ऑल्सो अवेलेबल। सो एज ए वेट मेरी एडवाइस है ओनर्स के लिए कि हमेशा पप्पी को अडॉप्ट करते समय डिस्टेंपर के लिए जरूर चेक करवाएं एंड उसको कम्प्लीटली वैक्सीनेशन कराएं। मेक श्योर बूस्टर्स जो है वो टाइम से लगे उसको। थैंक यू।